लफ्ज मुस्लिम के क्या मायने हैं या मुस्लिम कौन होता है? सूरह बकरा आयत 131 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब फरमाया उसको उसके रब ने मुस्लिम हो जा, कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैं मुस्लिम हो गया तमाम जहानों के रब का। अब इसको हम समझ लेते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। मुस्लिम वो है जो अल्लाह के आगे अपने आप को सुपुर्द कर दे, उसके आगे सर तस्लीम खम कर दे, उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। यानी यहाँ पर यह है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी हमें मिसाल नज़र आती है कि उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी जो है ना कोई बेजारी नहीं दिखाई और ना अपनी मर्जी की। तो यही हमारे अमल का आज इस आयत के ज़रिए नुक्ता है कि हम अपने आप को कंप्लीट सबमिशन में दें, सरे तस्लीम खम करें, अपने पूरे दिलो जान को, अपने नफ्स को ताबे करें और अपनी ज़ात को अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ताबे कर देना। इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारी नजात है।